Speaker, this House vehemently condemns the online harassment of female journalists by social media accounts affiliated with the ruling party. These accounts are not only threatening hard-working, respectable female journalists from doing their work, but have also created a culture of abuse to silence them. Women journalists are not only being bullied online, they now face threats of sexual and physical violence and security at risk. ये जो रेजोल्यूशन मैं लाई हूँ ये तकरीबन कोई 17-18 बहुत सीनियर हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट और डिलिजेंट फीमेल जर्नलिस्ट ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था पिछले दिनों और उसमें से मैं सिर्फ एक दो लाइनें पढ़ के बताना चाहूँगी जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ ऑनलाइन हैरेसमेंट की बात की अब्यूसिव कल्चर की बात की और बिलखसूस उन्होंने कहा कि उनकी पर्सनल सिक्योरिटी एट रिस्क है और ये जो हैरेसमेंट का उनको हरासा जो उनको किया जा रहा है उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कहा है कि ये उन तमाम वजीर मुशीर और जो गवर्नमेंट की जो पीटीआई की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनकी सोशल मीडिया अकाउंट से की जा रही है और इन्होंने डिमांड की हुकूमत पाकिस्तान से और नेशनल असेंबली की ह्यूमन राइट्स कमेटी से कि इसका नोटिस लिया जाए और इसके ऊपर इनको हिफाजत भी दी जाए और इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन भी दी जाए। मैडम स्पीकर, ये 12 अगस्त का उनका एक जॉइंट स्टेटमेंट है जब वो एचआर की कमेटी जो नेशनल असेंबली की है उसके सामने हाज़िर हुए और वहाँ पर उन्होंने अपनी टेस्टिमनी दी। मैडम स्पीकर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ और मैं इसमें से कोट कर रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से नहीं लेकर आई। For the next few days, my timeline on Twitter was flooded with expletives and threats. उन्होंने screenshots भी attach किए हुए हैं। अच्छा, ये जो culture है, madam, ये साफ-साफ ये लिख रहे हैं कि the emerging pattern of online threats and abuse directed at me by government ministers, sitting federal government ministers, PTI के, जो इंसाफ के नाम पे election में vote जीत कर आए हैं। और ऑफिशियल और उनके ऑफिशियल अकाउंट्स विच शो एफिलिएशन विद द रूलिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और यहाँ पर मैडम स्पीकर उन्होंने नाम भी दिए हैं। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह एक फोकल पर्सन है चीफ मिनिस्टर पंजाब के अजहर मशवानी साहब, उनके अकाउंट से ट्वीट्स किए जा रहे हैं जो बड़े अब्यूसिव हैं। और ये बेचारी जो जर्नलिस्ट हैं, ये इनके नाम मैं आपको पढ़ के बता दूँ, आप में से सब जानते ही होंगे, महमल सरफराज, बेनज़ीर शाह, अंबर शमसी, ज़ेबुन्नसा, तहम्मल, सुना करो, जब एक औरत बात कर रही होती है तो तहम्मल से सुना करो। यही मसला है आप लोगों का, हाँ, उसको कि आप औरतों को इंटिमिडेट करते हैं। यू इंटिमिडेट वुमेन, आप लोगों को तमीज नहीं है औरतों से बात करने की, ना हाउस में ना हाउस के बाहर। सो प्लीज बात सुनने का हौसला रखें और अपनी बारी पर जवाब दें। रमशा जहांगीर, आई विल कंटिन्यू, असमा शराजी, आयशा बख, फरीदा फारूकी, अलीना फारूक, आलिया चुगताई, रीमा उमर, नजराना यूसुफजई, तंजीला मजहर, मुनीजा जहांगीर, फरहत जावेद, आयमा खोसा। मैडम स्पीकर, ये जो कल्चर है ना पीटीआई हुकूमत का कि आप बात करें तो आपको गाली पड़ती है, आप बात करें इनके इनकी 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 जो नाकस नाहल निकम्मी हुकूमत है उसके ऊपर तो आपको ये हरासा करते हैं, ये धमकियाँ देते हैं, फिजिकल सेक्शुअल अब्यूज़ का धमकी देते हैं। ये तो मैं आपको ये रिटर्न, इन्होंने बड़ी हिम्मत करी है, इन 18 औरतों ने बड़ी हिम्मत करी है कि वो इकट्ठे हुई हैं, खड़े हुई हैं और इस अब्यूज़ से कल्चर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। लेकिन मैं जानती हूँ मेरे साथ, नफीसा शाह के साथ और ना जाने कितनी शेरी रहमान साहिबा के साथ, जो हम सोशल मीडिया पे मौजूद हैं और अगर हम कोई इनकी इनसे कोई सवाल पूछ लें या कोई इनकी निशानदेही करा दें इनकी गलतियों की, तो ये गालियाँ देते हैं, ना सिर्फ हमें और इतनी गंदी गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ, हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, किसी को नहीं बख्शते ये। और उनको जी, आपको शायद घर में भी आपको तमीज़ नहीं है ख़वातीन से बात करने की, इंटरप्ट करते हैं आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? घर में जो माएँ बहनें बेटियाँ हैं ना, वो भी उनके भी सर शर्म से झुक जाते हैं क्योंकि आप लोगों का जो गंदा अब्यूसिव घटिया गाली देने वाला कल्चर है ना, वो आप जितनी ऊंची आवाज में बोलेंगे मैं उससे ज्यादा ऊंची आवाज में बोलूंगी क्योंकि आप औरतों को इंटिमिडेट नहीं कर सकते, आप लोग औरतों को हरासा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इंडल्ज इन जेंडर बेस्ड हैरेसमेंट। आप जैसे लोग इस मुल्क में, आप जैसे लोग इस मुल्क के अंदर
ना सिर्फ हुकूमत का नाम बदनाम करते हैं, आप अपना नाम बदनाम करते हैं, अपनी जमात का नाम बदनाम करते हैं। बराए मेहरबानी, मैं चाहूँगी कि ये हाउस यूनानिमसली इसको अप्रूव करे और मैडम स्पीकर ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए, ये मीडिया को गैग करना ख़त्म होना चाहिए। सच सुने, सच का सामना करें और जवाब दें। बहुत शुक्रिया।